बैक टू माय चैनल। सो आज हम कवर करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो कि हर बिगनर को कवर करने चाहिए। सो हम आज पांच प्रोजेक्ट के नाम बताएंगे, नाम ही नहीं बताएंगे, हम ये भी बताएंगे कि आप यही पांच क्यों चूज करें, रीजन कवर करेंगे। सो स्टिक विद दिस वीडियो टिल एंड, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सो ज्यादा बात नहीं करते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ। सो जो हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट है वो पर्सनल पोर्टफोलियो। अब ये हर कोई वैसे तो कवर करता है, लेकिन क्यों कवर करना चाहिए और ये पहला प्रोजेक्ट यही क्यों चूज करें। सो इसमें क्या होता है कि एक हमारा एक सिंपल सा पेज होता है जिसमें आप क्या कवर करते हैं, अपनी स्किल्स, अबाउट योर सेल्फ या अपना काम। दो तीन सेक्शन होते हैं और बहुत ही सिंपल रखते हैं, और ये आपका खुद का काम रहता है, लाइक अपनी पोर्टफोलियो रहती है। सो उसमें क्या रहता है, आप कुछ भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। सो जिससे क्या होगा, आपकी HTML एंड CSS की जो स्किल्स होंगी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। सो सबसे पहला प्रोजेक्ट आपको क्या बिल्ड करना है, पर्सनल पोर्टफोलियो। सेकेंड की बात करते हैं अब हम। सो जो हमारा सेकेंड है वो रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज, ये भी हमारा एक पेज का होता है। सो इसमें क्या करना है, आप कोई भी सर्विस के लिए लैंडिंग पेज कोई भी चूज कर सकते हैं। अब इसमें आपका क्या इम्प्रूव होगा, रिस्पॉन्सिव पहले वर्ड से पता चल रहा है। सो इसमें आपकी मीडिया क्वेरी इम्प्रूव होगी, मतलब आपका जो लैंडिंग पेज है वो अलग अलग डिवाइसेस पे कैसे दिख रहा है आप उस पर फोकस करेंगे, और वो अगर खराब दिख रहा होगा तो आप उसको सही करेंगे यूजिंग मीडिया क्वेरी। सो इससे क्या होगा, आपकी CSS बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, रिस्पॉन्सिवनेस आप सीखेंगे कि किसी भी वेबसाइट को सारे डिवाइस पे कैसे हम परफेक्टली शो कर सकते हैं। सो ये आपको ये प्रोजेक्ट चूज करना है। सो अब देखते हैं थर्ड वन। सो थर्ड में आप कवर कर सकते हैं गैलरी सेक्शन, उसमें आपका क्या इम्प्रूव होगा। गैलरी सेक्शन हमेशा क्या होती है, ब्लॉक वाइज होती है। सो आपका ग्रिड या फ्लेक्स बॉक्स, तो इन सब चीज़ों का यूज करके आप गैलरी को डिजाइन कर सकते हैं। और हमारा फ्लेक्स एंड ग्रिड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे अलग अलग जो सेक्शंस होते हैं, टू कॉलम लेआउट, थ्री कॉलम लेआउट या फिर मल्टीपल कॉलम लेआउट, सो वो आप किससे मैनेज कर सकते हैं, इजीली फ्लेक्स एंड ग्रिड से मैनेज कर सकते हैं। सो आप अगर ये गैलरी सेक्शन बनाएंगे यूजिंग ग्रिड एंड फ्लेक्स बॉक्स, तो ये आपका ये प्रॉपर्टी इम्प्रूव होगी। सो अब देखते हैं नेक्स्ट वन। सो फोर्थ वन हमारा टू डू लिस्ट। अब इसमें क्या इम्प्रूव होगा, अब इसमें आपको JS इंक्लूड करनी पड़ेगी। सो इसमें क्या आएगा, आपकी JS की एंट्री लेवल होगी। आप यहाँ पे JS में कैसे कैसे फंक्शनैलिटी लगाते हैं छोटी छोटी वो आप इसमें लगा सकते हैं, और इससे आपकी JS इम्प्रूव होगी। सो आप टू डू लिस्ट भी कवर कर सकते हैं। अब देखते हैं फिफ्थ एंड लास्ट। फिफ्थ हमारा है ऑनलाइन स्टोर। अब जैसे कि आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो मैक्सिमम वहाँ पे कैसे वेबसाइट्स पे काम होता है, जो हमारी ई कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट्स होती है, क्योंकि सबको अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है। सो यहाँ पे आपको वो कमांड मिलेगी जो मैक्सिमम कंपनीज में काम होता है, जिसपे आप इस प्रोजेक्ट से वो सीख सकेंगे, मतलब प्रोडक्ट पेज कैसे दिखता है, लिस्टिंग पेज कैसे दिखता है, चेकआउट पेज कैसे होता है। तो मतलब ये बेसिक पेजेस जो होते हैं वो आप एड ऑन करके कवर कर सकते हैं, और ये आपको सबसे ज़्यादा काम आएगा इन योर कंपनी। और कहीं पे भी आप जैसे फ्रीलांस भी करते हैं तो भी लोग ई कॉमर्स वेबसाइट ही ज़्यादा बनवाते हैं। सो आपको ये वाला टॉपिक ऑनलाइन स्टोर ज़रूर, ये वाला प्रोजेक्ट कवर करना है। सो ये पांच प्रोजेक्ट्स थे, और क्यों बनाने हैं आपको ये भी हमने कवर कर दिया है। स्टिल आपको कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और हाँ एक तरह से कमेंट जरूर ड्रॉप करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय गाइस, हैप्पी लर्निंग।